दोस्तों एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक गांव था। यहां पर सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार बारिश के दिनों में भयंकर बरसात हुई, जिसकी वजह से नदी का पानी अचानक से बढ़ने लगा और गांव में भयंकर बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर दूर जाने लगे। लेकिन गांव का एक आदमी जो भगवान का भक्त था, उसे भरोसा था कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। इसलिए वो गांव के मंदिर में चला गया। लेकिन भयंकर बारिश और नदी की बाढ़ के चलते पानी बढ़ता ही जा रहा था। तभी कुछ लोग गांव वालों की जान बचाने के लिए उनकी तलाश में मंदिर में आए और उस व्यक्ति से भी साथ चलने को कहा। लेकिन उस व्यक्ति ने साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो तो ईश्वर की शरण में है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद बाढ़ का पानी और भी बढ़ता गया। तभी कुछ लोग नाव के सहारे उस व्यक्ति के पास आए और अपनी जान बचाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन इस बार भी उस व्यक्ति ने साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि वो औरों की तरह नहीं है, ईश्वर उसे खुद बचाने आ जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से बाढ़ का पानी बढ़ रहा था, उस व्यक्ति को लगने लगा कि वो अब सुरक्षित नहीं रह पाएगा। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए मंदिर के ऊपर गुंबद वाले हिस्से पर चला गया, लेकिन अब भी पानी बढ़ता ही जा रहा था। अब फिर कुछ लोग हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने आए। हेलीकॉप्टर के जरिए रस्सी लटका दी और उस व्यक्ति से बोले कि अपनी जान बचाने के लिए रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ, अपनी जान बचा लो। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर वही बात दोहराई कि वो और लोगों की मदद करें, उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास है, उसे कुछ नहीं हो सकता। बार बार कहने के बावजूद वो व्यक्ति उस हेलीकॉप्टर में नहीं गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर वाले लोग अन्य व्यक्तियों की तलाश में चले गए। समय बीतता गया और पानी बढ़ता ही गया और वो व्यक्ति डूबकर मर गया। मरने के बाद जब वो भगवान के पास पहुंचा, तब अपनी स्थिति पर रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मैंने सारा जीवन आपकी पूजा पाठ में बिताया, जीवन भर सत्य की राह पर चला, फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आए, आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? तब भगवान ने उससे कहा कि ऐ इंसान, मैं तो तुम्हारी जान बचाने के लिए अलग अलग रूपों में 3 बार आया, लेकिन तुमने उन 3 अवसरों को यूं ही गंवा दिया। मैं तो बार बार तुम्हें बचाने के लिए आया, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं, इसमें ईश्वर की क्या गलती? ये बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत ही पछतावा हुआ। वो ईश्वर के भरोसे मदद की आस में बैठा रहा और ईश्वर ने उसे हर संभव बचने का अवसर भी दिया, फिर भी वो इन अवसरों को पहचान नहीं पाया, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो मन ही मन पछता रहा था। साथियों, हम सभी के जीवन में ठीक ऐसे ही न जाने कितने अवसर आते हैं, जिनके जरिए हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी अज्ञानतावश सही समय का इंतज़ार करते रह जाते हैं और जीवन भर शिकायतें करते रह जाते हैं कि हमें अवसर ही नहीं मिला। हर क्षण एक अच्छा अवसर ही होता है, देर बस उसे पहचानने की होती है। आपको भी अपने जीवन में बहुत से अवसर ऐसे मिले होंगे जिन्हें आपने गंवा दिया होगा। अगर ऐसा है तो अपने अनुभव हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक और अच्छी और पॉजिटिव कहानी के साथ। तब तक आप इस चैनल पॉजिटिव बातें को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।